मुंबई में हुए एक इवेंट पर पहुंचे करण जौहर और कंगना रनौत। एक ही छत के नीचे रहकर भी करण ने किया कंगना रनौत को अवॉइड। क्या है पूरा मैटर, चलिए बताते हैं। वेल, कल 28 अप्रैल को अमेजोन प्राइम वीडियो ने अपनी आने वाले प्रोजेक्ट्स की लाइनअप की घोषणा बड़े लेवल पर की। रोहित शेट्टी, सिद्धार्थ मल्होत्रा, माधुरी दीक्षित, अजय देवगन, कंगना रनौत और कई बड़े सितारों ने अपनी अपनी फिल्मों की एक झलक दिखाई। इस प्रोग्राम को दो बड़े स्टार्स ने होस्ट किया, पहले करण जौहर ने और फिर अभिषेक बच्चन ने। अब अमेजोन प्राइम वीडियो के प्रोजेक्ट्स के लाइनअप में कंगना रनौत प्रोड्यूस्ड फिल्म टीकू वेट शेरू भी शामिल है। इवेंट पर करण जौहर ने एक के बाद एक सभी प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट की, लेकिन जब कंगना की फिल्म टीकू वेट शेरू की अनाउंसमेंट की बारी आई, करण होस्टिंग करते नहीं दिखे। ऑर्गेनाइजर्स ने स्मार्टली करण को होस्टिंग से हटा दिया, या यूं मान लीजिए कि करण को कंगना की फिल्म अनाउंस करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, या वो उन्हें अवॉइड करना चाहते थे। इसलिए करण एक घंटे के लिए स्टेज पर से गायब दिखे, लेकिन कंगना के जाने के बाद करण फिर स्टेज पर लौटे और होस्टिंग जारी रखी। उन्होंने अजय देवगन के साथ रनवे 34 को प्रमोट किया, फिर माधुरी दीक्षित की नेक्स्ट फिल्म मजा मा की अनाउंसमेंट की और रोहित शेट्टी, सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ खूब ठहाके लगाए। मिल, ये सब कुछ मीडिया की मौजूदगी में हुआ। एविडेंट था कि कैसे कंगना रनौत से दूरी बनाए रखने के लिए करण जौहर ने इवेंट के बीच में ही ब्रेक लेने की सोची, ताकि कॉन्ट्रोवर्सी ना हो, कंगना फिर करण को भरी महफिल में कुछ कह ना दे। वेल, इस पूरे एपिसोड पर आपकी क्या है राय, बताइए हमें कमेंट सेक्शन के जरिए। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।